तमाम सेलिब्रिटीज ने हिना खान के पिता के लिए जताया है शोक। चलिए जानते हैं आखिरकार कौन कौन से सेलिब्रिटीज के लिए ये खबर काफी शॉकिंग था। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को बता दूं कि बीते रात हिना खान के पिता का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। इस खबर को सुनते ही हिना खान कश्मीर से बहुत ही जल्दबाजी में लौटी और ऐसे में लौटने के बाद ही हिना खान बेहद ही ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। हिना खान और उनकी माँ को स्पॉट किया गया एयरपोर्ट पर। अब ऐसे में इस सिचुएशन में हिना खान उनके पूरे परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है उनके फैमिली पर। ऐसे में हिना खान बेहद ही ज्यादा अपने पापा के करीब थी और इस तरीके से पापा को खोने का गम बेहद ही ज्यादा उनके लिए शॉकिंग है। ये सिर्फ हिना खान के लिए ही नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री के कई सारे सेलिब्रिटीज भी अब तक काफी ज्यादा शॉक में हैं। इसी बात पर एजाज खान ने भी हिना खान के पिता को खोने का गम व्यक्त किया है। वहीं आपको बता दूं कि शार्दुल पंडित भी काफी शॉक्ड है, तो वहीं निकी तंबोली भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि वो हिना खान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कांची सिंह, जो कि हिना खान के साथ भी काम कर चुकी हैं, उन्होंने इस खबर को काफी शॉकिंग बताई है। तो वहीं टीना दत्ता अनबिलीवेबल कहते हुए नजर आई हैं। और लगातार आपको बता दूं कि रश्मि देसाई और कई सारे एक्ट्रेसेस ने आपको बता दूं कि इस खबर को सुनने के बाद RIP लिखा है। तो लगातार आपको बता दूं कि टीवी इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटीज़ हिना खान के पिता को खोने का गम उन्हें भी सता रहा है और लगातार वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हिना खान को सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रेंथ दे रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में। सो गाइज़, आप सभी का क्या है कहना हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हरी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।